Hello friends, so let us continue with capital budgeting. Now in the capital budgeting, we have been discussing about the techniques. और techniques में हम लोग बात कर रहे हैं discounted और the time adjusted techniques की. उसके बाद हमने last lecture में जो start किया था, that was one very important technique. कौन सी technique start की थी हमने? That is the internal rate of return. Internal रेट ऑफ रिटर्न. तो थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि क्या किया था हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में. IRR में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जिसको हम बोलते हैं IRR. तो दिस IRR टेक्निक इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द NPV. इसका मतलब क्या है कि अगर IRR की बात करें तो यहां पर भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं. ठीक है, कैश फ्लोज में क्या है? कैश इनफ्लोज हैं और कैश आउटफ्लोज हैं. क्लियर. और जिस तरह से हमने NPV में कहा था कि मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि आज की डेट में क्या बेनिफिट हो रहा है, वैसे ही IRR भी हम आज की डेट का निकालते हैं. इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. क्लियर. तो जो इतनी चीजें तो हमारी सेम थी जो हमने NPV में की थी, वही IRR में थी. अब IRR क्या है? एक रेट है किस चीज का? रिटर्न का. एक बिजनेसमैन कहता है कि अगर आज मुझे किसी मशीनरी पे 10 लाख रुपए लगाना है तो उसका इस चीज पे इंटरेस्ट होता है कि उस 10 लाख रुपए की मैं मशीनरी तो आज ले लूं, उस मशीनरी से मुझे बेनिफिट क्या होगा, मुझे रिटर्न क्या मिलेगी उस मशीनरी से. तो वो कहता है कि जब NPV में बात करते हैं तो हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं कि कितनी अमाउंट का बेनिफिट होगा उसे, एडिशनल बेनिफिट. यहां पर वो क्या कहता है? यहां पर वो कहता है मुझे रेट ऑफ रिटर्न बताओ कि मुझे 10% फायदा होगा, मुझे 20% फायदा होगा. ठीक है, अब आप ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास बैठे हो, आपने कहा जी मुझे अब रेट तो पता नहीं फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा. तो वो कहता है कम से कम मुझे एक ऐसा रेट बता दो जहां पर मुझे ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, इतना तो बता दो ना मुझे. क्योंकि आज पैसा लगाने का तभी फायदा है कि आज की डेट में एटलीस्ट मैं उस पोजिशन पे हूं कि मेरा नुकसान नहीं हो रहा. अगर मुझे आज ही नुकसान हो रहा है तो आगे जाकर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट होगा. तो आज एटलीस्ट मैं उस पोजीशन पर तो बैठा हूंगा ना कि जहां पर मुझे नुकसान नहीं हो रहा. अब वो पोजीशन क्या होगी कि जहां पर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, जहां पर मैं इक्विलिब्रियम में हूं. वो सिचुएशन तभी होगी अगर आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. राइट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वन रेट ऑफ रिटर्न वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. ठीक है जी, चलो इसको हटा देता हूं, थोड़ी ड्राइंग ज्यादा होगी. चलो क्लियर है. सो IRR इज दैट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. मतलब कि आज की डेट में मैं उस सिचुएशन में हूंगा कि जहां पर मुझे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है. क्योंकि अगर आज ही मैं लॉस कमा रहा हूं, अगर आज की डेट में मुझे लॉस हो रहा है तो मैं कल कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मैं प्रॉफिट में हूंगा. ठीक है, तो आज एटलीस्ट मैं एक उस पोजीशन में हूं कि ना तो मुझे प्रॉफिट है ना मुझे लॉस है. वो तभी होगा अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ IRR. अभी तो सिर्फ बेसिक्स किए थे लास्ट लेक्चर में. उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें एक और चीज की थी कि अगर हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से, कि अगर तीन तरह के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो डिसीजन कैसे लेना है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स हैं तो डिसीजन कैसे लेना है, और अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो हमें डिसीजन किस तरह से लेना है. ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी. क्लियर है कि IRR ज्यादा होना चाहिए. अच्छा, और क्या एक चीज और थी जो इंपॉर्टेंट, IRR को किससे कंपेयर करते हो? IRR को आप लोग कंपेयर किससे करते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. मैंने वो भी कॉन्सेप्ट सारा एक्सप्लेन किया था कि अगर वो पैसा उस मशीनरी में ना लगाकर आप बैंक में डिपॉजिट करते तो 8% मिलता. अब यहां पे रेट क्या निकाल रहे हो कि उस मशीनरी में इन्वेस्ट करने से मुझे रिटर्न कितनी मिलेगी? 10% की मिलेगी. तो अगर मुझे बैंक से ज्यादा पैसा एज रिटर्न मिलेगा तभी फायदा होगा इन्वेस्ट करने का, नहीं तो नहीं करूंगा मैं इन्वेस्ट, नहीं तो वो पैसा बैंक में लगा दूंगा. सिंपल.
ठीक है, तो कंपैरिजन किस चीज में है, आईआरआर एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि दोनों ही चीजों से मुझे रिटर्न मिलती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या है कि मैं बैंक में पैसा लगा दूंगा, वहां से मुझे रिटर्न मिलेगी। आईआरआर क्या है, मैं मशीनरी में पैसा लगा दूंगा, मुझे वहां से रिटर्न मिलेगी, और जहां से रिटर्न ज्यादा मिलेगी मैं वहां पर पैसा लगा दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बैंक की बात करते हो, अब आपको, आप कौन से बैंक में अपना पैसा रखोगे, कौन सा बैंक आपको इंटरेस्ट ज्यादा देगा? कोई बैंक कह रहा है जी मैं 6% दूंगा, यस बैंक कहता है 6% दूंगा, HDFC कहता है मैं 7% दूंगा, ICICI कहता है मैं 8% दूंगा, आप किस में करोगे? आप ऑब्वियसली ICICI में रखोगे, ठीक है। तो वही फंडामेंटल है कि जहां पर आपको इनकम ज्यादा होगी, जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, आप वहीं पर जाओगे ना। दिस इज द नॉर्मल कॉन्सेप्ट, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है हमारी, ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉम्प्यूटेशन ऑफ IRR। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे कि कंप्यूट कैसे करते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ IRR, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास कई केस बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे कैश इनफ्लोस किस तरह से हैं। फर्स्ट केस, अब एक एक केस को ध्यान से समझना, ठीक है, समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है, कैसे है, ठीक है जी। चलो पहला केस क्या है, व्हेन लमसम कैश इनफ्लोज, व्हेन लमसम कैश इनफ्लोज आर रिसीवेबल, when lump sum cash inflows are receivable against initial cash outflows, ठीक है। See, अब IRR में क्या होता है, जितना मैंने ज़्यादातर analyze किया है students को, कि जहाँ पर भी पढ़ते हैं, चाहे खुद पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में, वो क्या करेंगे, वो आपको IRR का कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको फार्मूला बता देंगे कि IRR का ये फार्मूला है, उसमें वैल्यूज़ फिट करो और IRR निकाल लो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको फार्मूला बताऊंगा ही नहीं, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई कर लेना, आपको सेम कॉन्सेप्ट में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने जो इंस्टीट्यूट्स देखा है, ज़्यादातर टीचर्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, आपको फार्मूला बता देंगे कि सर ये फार्मूला IRR कैलकुलेट करने का, इसमें वैल्यूज़ डालो IRR निकल आएगा, ठीक है जी। आप भी खुश, ठीक है, फार्मूला याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है एग्ज़ाम में। लेकिन इससे बेटर है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जितना अभी तक IRR पढ़ा है, जितना मैंने अभी तक बताया, उसी के बेस पे मैं आपको इसकी डिराइव करूँगा कि हम लोग कैसे उसको निकालते हैं, इसी के बेस पे करूँगा, ठीक। चलो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन लमसम कैश इनफ्लोज आर रिसीवेबल अगेंस्ट द इनिशियल कैश आउटफ्लोज। इसमें होता क्या है कि अगर आज मैं जीरो पीरियड पे हूं, ठीक है, आज जीरो पीरियड पे मैंने एक कैश आउटफ्लो किया 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस 10 लाख रुपए के कैश आउटफ्लो के अगेंस्ट जो मुझे कैश इनफ्लो होना है वो इकट्ठा होना है। मुझे ये नहीं कि हर साल होगा या एक साल में 2 लाख आ गया, फिर 3 लाख आ गया, फिर 4 लाख आ गया, ऐसे नहीं होना। वो कहता है कि 4 साल के बाद मुझे इकट्ठा कैश इनफ्लो होगा, ठीक है, कितना, 11 लाख का, क्लियर। अब इस केस में वो कहता है कि मुझे क्या बताओ, वो कहता है मुझे प्रेजेंट, मुझे IRR निकाल के बताओ, ठीक है। केस समझ में आ गया क्या है कि कैश आउटफ्लो जीरो पीरियड पे 10 लाख हैं और फोर्थ ईयर में जाकर मुझे 11 लाख एक साथ मिलेगा, ना कि मुझे पीसीज में मिलेगा, नहीं, मुझे एक साथ 11 लाख मिलेगा एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, क्लियर। तो अब उस केस में हम लोगों ने करना क्या है, अब IRR वो कहता है कैलकुलेट IRR, अब IRR निकालना कैसे है, यहां पर क्या होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दिया जाएगा, ठीक है। हम फॉर्मूला नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं फॉर्मूला, जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर हम कॉन्सेप्ट करेंगे। IRR, मैंने क्या कहा कि IRR क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहले आपको ये केस समझ में आ गया, केस क्या है, ठीक है, जो केस वन है, अब इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि इनिशियल कैश आउटफ्लोज
इनिशियल कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू रुपीज 4,20,000। ये सारी की सारी एग्जांपल साथ साथ लिख लेना, क्योंकि एंड में जब दोबारा आप रिवाइज करोगे ना, आपको यही चीजें हेल्प करेंगी, राइट। देन लमसम कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू रुपीज 5,04,000, ठीक है, एट एंड ऑफ ईयर वन, एंड ऑफ ईयर वन। वो कहता है डिटरमिन IRR, अब कैसे करना है हमें। चलो जी, अब बताओ मुझे कैसे करना है। सर IRR का बिल्कुल एक बेसिक फंडामेंटल क्या है, हमने यहां पर भी डिस्कस किया। IRR का अगर बेसिक फंडामेंटल देखो तो क्या है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, दिस इज द बेसिक फंडा, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ IRR। अब इसके बेस पे मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, कैसे। अब इनिशियल कैश आउटफ्लोस का मतलब क्या है, ये जीरो पीरियड पर है, ठीक है। इनिशियल कैश आउटफ्लोस का हमेशा मतलब है कि कैश, अगर आपको कुछ नहीं दिया गया तो कैश आउटफ्लोस आर एट जीरो पीरियड। NPV में हमने कुछ नोट्स लिखे थे, वही नोट्स यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे, क्लियर। चलो अब बताओ IRR में क्या है। IRR में बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, क्लियर है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे निकालते हो, आप निकालते हो कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यही करोगे क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर के दिया हुआ है, या nth ईयर, जो भी ईयर दिया होगा, ठीक है। यहां पर हमें दिया हुआ है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे कैश फ्लो है, तो वो कहता है फर्स्ट ईयर के एंड का एक रुपए का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो, ठीक है, और उसको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं, NPV में निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, कोई डाउट, ठीक है। कैश आउटफ्लोज में क्या आएगा, PVCO में क्या आएगा, कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है जी। कैश आउटफ्लोज में भी ऐसी है, क्या है, कैश आउटफ्लो इनटू द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो अब ये बताओ सर करना क्या है हमें, अब कैश इनफ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो कितना दिया है 5,04,000 का, 5,04,000 का कैश इनफ्लो दिया है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन एट द ईयर एंड, इसके लिए क्या चाहिए आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, सर रेट तो दिया नहीं हुआ, तो आपको क्या निकालना है, आपको यही निकालना है पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ये वैल्यू आपको कैश आउटफ्लो दिए, कैश आउटफ्लो दिए सर कितने 4,20,000 के। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है कैश आउटफ्लो का, क्योंकि कैश आउटफ्लो जीरो पीरियड पे है, तो जीरो पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, जीरो पीरियड का हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वन रहेगा, क्लियर है। तो अब हमें सिर्फ एक वैल्यू नहीं पता इसमें, वो ये कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, आपको नहीं दी गई है ये वैल्यू, अगर दे दी गई सर फिर तो कुछ इक्वेशन ही नहीं बची हमारे पास, ठीक है। 5,04,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 4,20,000, क्लियर। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेरे पास क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5,04,000। कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, 0.8333। अब ये क्या आ गया, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी वन
ये फिगर जो आई है, ये फिगर क्या आई है आपके पास? ये फिगर आई है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. क्लियर? अब जब ये वैल्यू आ गई ना आपके पास, फिर आ जाओ टेबल पर. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर वन रुपी, एक रुपी का, डिस्काउंटेड एट के परसेंट फॉर एन पीरियड. अब हमें यहां पर ये परसेंटेज नहीं पता, हमें ये पीरियड भी पता है, हमें ये वैल्यू भी पता है. अब हमें क्या पता है, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास ये वैल्यू है 8.333. तो हम क्या परसेंटेज बता सकते हैं इसके इक्विवेलेंट से? 20%. हमारे पास पीरियड है, हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन रुपी है मेरे पास, तो क्या मैं उसकी परसेंटेज बता सकता हूँ कि कितना परसेंट? 20% पे उसकी डिस्काउंटिंग करूँगा तो जाकर मेरे पास वो वैल्यू बनेगी. क्लियर? सो दिस वैल्यू कम्स टू 20%. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे IRR निकालना होगा तो IRR मेरा आएगा 20%. इसका मतलब है कि इस रेट पे, इसका मतलब है कि IRR इज इक्वल टू 20%. क्या क्या मतलब है कि 20% पे इसको डिस्काउंटिंग करोगे तो जाकर ये 4,20,000 पे बनेगा. क्लियर? एनपीवी में क्या कर रहे थे, एनपीवी में हमारे पास ये परसेंटेज दी होती थी एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जब ये परसेंटेज एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी गई होती थी हमें, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उससे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते थे. ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, हमने पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको हमने टेबल पर अप्लाई करके उसकी परसेंटेज निकाली कि फर्स्ट पीरियड में एक साल के एंड में हमें वो वैल्यू कितनी परसेंटेज पे मिल रही है. दैट परसेंटेज कम्स आउट टू बी माय IRR. क्लियर? दैट परसेंटेज कम्स आउट टू बी द IRR. क्लियर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR. क्लियर है? अब इसमें बताओ कोई फॉर्मूले की जरूरत थी? हमने सिर्फ जो हमारा एक बेसिक फंडामेंटल था हमने वहीं से डिराइव किया इसको. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं, ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को हम लोग लिख सकते हैं कि कैश इनफ्लोज इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और कैश आउटफ्लोज इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ये तो सिंपल जो हमने एनपीवी में किया वही चीज है. ठीक है, कैश इनफ्लोज की वैल्यू दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया गया हमें. आउटफ्लो दिया गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसका वन होगा क्योंकि इनिशियल कैश आउटफ्लोज थे हमारे पास. इनिशियल हमेशा वन होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर स्टार्टिंग में. क्लियर है? ठीक है जी. सो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. राइट? तो यहां से टेबल अगर लगाएंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये वैल्यू हमें मिल रही है 20% पे. सो माय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. इसका मतलब है कि 20% पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज सेम होंगे. अगर मुझे 20% रिटर्न मिलती है तो वो सेम होंगे, नहीं तो सेम नहीं होंगे. क्लियर? सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट. क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि सर हमने टेबल देखा, मैंने कहा ईयर वन में ये वैल्यू 8.33 तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसमें. अगर ये वैल्यू मुझे टेबल में डायरेक्टली ना मिले, किन दो वैल्यूज के बीच में फॉल कर रही हो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? एक एग्जांपल ले लें. चलो एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इनिशियल कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख, राइट? देन लमसम कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू रुपीज 1,65,000. This is at the end of fourth year.
एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। चलो अब क्या करना है, अब सबसे पहले स्टेप क्या होगा, अब आप निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो कैसे होगा, कैसे निकलेगा ये, आउटफ्लोज कितने थे 1 लाख, इनिशियल आउटफ्लोज डिवाइडेड बाय लमसम कैश इनफ्लोज 1,65,000, राइट। सो दिस कम्स टू 0.606। अब ये कौन से ईयर पे है, फोर्थ ईयर पे है, फोर्थ ईयर पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन मिली है, दैट इज 0.606। चलो आ जाओ टेबल पे जी, सबसे पहले तो पीरियड आएगा कौन सा, फोर्थ, ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 606 कहाँ वैल्यू आएगी, सर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सर 606 तो है ही नहीं, 13% पे 6133 है और 14% पे 5921 है, अब 606 है वो कहीं इन बिटवीन आएगी, सर इन बिटवीन तो यहाँ लाइन ही है, क्या करें, अब इन बिटवीन तो हमें दी नहीं हुई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अब तो प्रॉब्लम होगी, अब IRR कैसे करेंगे, 13% पे है 6133, 14% पे है 5921 और मुझे वैल्यू चाहिए 0.606 की, क्योंकि मेरी तो परसेंटेज 606 आ रही है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन गलत है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, एग्जाम में आएगा ही ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप कहोगे कि आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी, आपको क्वेश्चन ही आएगा, और आपको अभी तक ज़्यादातर आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा क्या होगा, आपको फार्मूला बता दिया जाएगा कि ये फार्मूला है, इसको ऐसे ऐसे कर लो, सर फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप एक बार समझ लोगे ना, आप खुद कहोगे सर फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, करना क्या फार्मूला। चलो समझो ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग, रेट ऑफ रिटर्न लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपी वन। अब किस रेंज में है, 13% में है और एक तरफ है मेरे पास 14%, मैं उसके दोनों रेंजेस लिख लूँगा जिसके बीच में वो मेरा 606 फॉल करता है। अब अगर 13% है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, 0.613, और अगर 14% है तो क्या है, 0.592। अब जो मेरा ये वैल्यू आई है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6.606, तो ये इन दोनों के बीच में कहीं फॉल कर रहा है, एग्री करते हो, ठीक है, इसका मतलब है जो मेरा IRR होगा वो भी इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करेगा IRR, बिल्कुल। सर IRR मेरा 13 से ज्यादा होगा और 14 से कम होगा, इतना भी समझ में आता है, 13 से तो IRR ज्यादा होगा, 14 से वो कम होगा मेरा IRR, ठीक है। तो मतलब कि जब मैंने IRR निकालना है तो मैं एक चीज कर सकता हूं, IRR इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले लिख सकता हूं 13% प्लस, इसका मतलब है 13% से ज्यादा होगा मेरा IRR, 13% में कुछ प्लस करूंगा, 14% से कम रहेगा, 13% में मैं इसको प्लस करके लिख सकता हूं, क्लियर। अब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, क्या 1% का डिफरेंस है, अब इस 1% के डिफरेंस के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कितना डिफरेंस है, 0.021, ठीक है, कि अगर रेट ऑफ रिटर्न 1% चेंज होता है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कितना डिफरेंस आता है, 0.021 का, क्लियर। और अगला स्टेप क्या है कि ये जो हमारा लोअर परसेंटेज है 613 और इसका डिफरेंस निकालो, 613 और 606 का डिफरेंस कितना होगा, 0.007, दिस कम कैसे आया, 0.613 माइनस 0.606, ठीक है, क्लियर है। स्टेप्स नोट कर लो क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि IRR इसके बीच में होगा, तो 13% प्लस तो लिख लिया मैंने पहले ही, ठीक है, फिर देखो कि अगर 1% रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो रहा है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कितना चेंज है, ठीक हो गया। उसके बाद 0.606 अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है और मेरा ये जो हायर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 0.007 का, क्लियर। अब मैंने क्या कहा कि अगर मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.021 चेंज हो रहा है तो उसके पीछे रेट ऑफ रिटर्न कितना चेंज होता है, 1%, कोई डाउट। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जो वैल्यू है
वो 0.021 चेंज होती है, तो मेरा इधर से रेट ऑफ रिटर्न में कितना परसेंट चेंज है? 1% है। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.007 चेंज हो रहा है, तो वो कितने रेट ऑफ रिटर्न में कितने परसेंट चेंज आएगा? मैं कहता हूं 1 / 0.021 मल्टीप्लाइड बाय 0.007। बस ये अगर फंडामेंटल समझ में आ गया, आप कभी गलती नहीं करोगे कि अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इतनी वैल्यू से चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न में 1% का चेंज है। ठीक है, अब चेंज तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहां पर भी हो रहा है ना, चाहे हम चेंज यहां से यहां देख रहे हैं तो 0.021 की है, अब यहां से यहां की चेंज देख रहे हैं तो 0.007 की है। मैंने कहा 0.021 के लिए 1% चेंज है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि 0.007 के लिए कितनी चेंज होगी, वही मेरी वैल्यू यहां पर आएगी। अब ये वैल्यू मेरी यहां पर आएगी क्या? 1% मल्टीप्लाइड बाय 0.007 डिवाइडेड बाय 0.021। क्लियर? सो दिस कम्स टू 13.33%, दिस कम्स टू माय IRR। ठीक है जी, तो अगर आपको IRR की डायरेक्ट वैल्यूज यहां से टेबल से नहीं मिलती, इन बिटवीन मिलती हैं, जैसे कि हमारा ये केस था अब यहां से, ठीक है, तो इन बिटवीन वैल्यूज में आपने हायर वैल्यू लेनी है और लोअर वैल्यू लेनी है इस तरह से। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न की हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की परसेंटेज। IRR अब इसमें फॉल करेगा कहीं ना कहीं, और ये वैल्यू भी इन दोनों के बीच में फॉल कर रही है, इनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो ये इक्वेशन आपको एक मिनट में समझ आ जाएगी। सर, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है कि अगर इतने चेंज के लिए 1% का चेंज है तो 0.007 चेंज के लिए कितने परसेंट का चेंज होगा? 0.33% का। ठीक है जी, कोई डाउट? क्लियर है? सो दिस इज यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द IRR इन केस ऑफ लमसम कैश इनफ्लोज। और इसके साथ साथ आप क्या सीख रहे हो कि सर टेबल कैसे रीड करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके साथ साथ हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें ये जो टेबल है, टेबल कैसे रीड करने हैं हमें। सो दिस वॉज द फर्स्ट केस। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द कॉम्प्यूटेशन ओनली, विल डिस्कस अनदर केस, कॉम्प्यूटेशन ऑफ IRR। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेक्चर फॉर अस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल @ksjteaching@gmail.com, and you can also visit the website for all the stuff, all the study material, lot of things are there on the website, www.ksjteaching.org, and you can connect with me on the Telegram app also. The link I'll be providing in the video description. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.